नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। अभी तक हम लोगों ने आईओटी क्या है उसके बारे में लेशन वन में पूरा पढ़ा है कि आईओटी है क्या, इस्तेमाल क्यों करना है, क्यों हम लोग इस आईओटी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, नाइलिट ने आईओटी को इंक्लूड क्यों करा हुआ है। ये सारे डाउट्स हम लोगों ने लेशन वन में क्लियर कर डाले हैं। अभी हमारा जो लेशन टू है, जो सेकेंड लेशन शुरू हो रहा है, उस टॉपिक का नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन। अगर आप सोच रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि हमें एक डिवाइस बनानी है जो कैसी हो, आईओटी बेस्ड हो, तो थिंग्स मतलब क्या होता है, सामान या वस्तु में, मतलब आपको कोई डिवाइस बनाने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होगी वो हम लोग पढ़ेंगे थिंग्स के बारे में। एंड मान लो कि आपके पास मदरबोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। अब उसको क्या करना है, कनेक्शन कैसे करना है, यानी आपके पास हार्डवेयर उपलब्ध है, अब उस हार्डवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कराना है, ये टॉपिक होगा कनेक्शन में। तो थिंग्स एंड कनेक्शन का में इस पूरे टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आईओटी डिवाइस को बनाने में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम के बारे में। कंट्रोल सिस्टम हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस लेशन का। कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप इन सारी चीजों को पढ़ेंगे या कोई नई डिवाइस बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको एक वर्ड से गुजरना होगा, वो है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम मतलब कार्य को करने से पहले हम उन सब चीजों को कंट्रोल कैसे करें। मतलब अगर आप देखो, पोल से अगर घर में लाइट का कनेक्शन आप लेके आते हैं तो सबसे पहले आप कंट्रोलर लगाते हैं कि कहीं इतना ज्यादा हाई वोल्टेज की लाइट ना जाए जिसकी वजह से डिवाइस जल जाए आपकी, ठीक है। तो कंट्रोलर बहुत आवश्यक है कि अगर कोई भी डिवाइस आप बना रहे हो तो सबसे पहले डिवाइस की एनर्जी को कंट्रोल कैसे करें, इस चीजों को हमें पढ़ना होगा। तो कंट्रोल सिस्टम को वर्किंग के हिसाब से आईओटी में चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और तीसरा कंप्यूटर सिस्टम, और चौथा है न्यूमेटिक सिस्टम। इन चारों का मतलब क्या है, अगर हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल सिस्टम का मतलब उन सारी चीजों से है जो आपको हार्डवेयर से रिलेटेड है, जो मैकेनिकल डिवाइसेज है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है कि मैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डिफरेंस क्या है। मैकेनिकल डिवाइस वही डिवाइस होती है जिसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो फ्रिक्शन से चलती है, घर्षण से चलती है। जैसे कि लीवर, अगर आप कोई सरौता इस तरह यूज कर रहे हैं, जनरेटर का जो हैंडल हम लोग यूज करते हैं हाथों से मार के इसको स्टार्टअप करते हैं, वो ये सारी चीजें मैकेनिकल डिवाइस में काउंट होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग आईओटी में क्यों करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लो कि आपको एक एसी बनाना है, तो अब आप क्या करोगे, उस एसी को बनाने में जाहिर सी बात है कि आपको स्क्रूप से कुछ हार्डवेयर जो आप कसेंगे एक दूसरे में, वहां पर कुछ स्क्रूप का पार्ट भी होगा, कोई पेचकस भी आप लगाएंगे, ठीक है। सॉफ्ट में आपको गियर्स भी होंगे, जैसे आप देखो विंग्स ओपन होते हैं और विंग्स बंद होते हैं, ये जो बंद होना और खुलना है ये हार्डवेयर का पार्ट है। किस चीज का पार्ट है, ये एक हार्डवेयर का पार्ट है। और ये सारी चीजें किस पर सेट होती है, मैकेनिकली सेट होती है। अब अगर गियर, मतलब आप देखो कि कभी कोई भी मशीन हो, चाहे आप कार भी बनाते हैं, कार का फाटक जो आप ओपन करते हैं, फाटक तो ओपन करते हैं तो वो किसी न किसी स्क्रू पर बोल्ट पर ही होता है कि आराम से ओपन होता है और तुरंत उस पर सेट हो जाता है। ये हमारा क्या है, मैकेनिकल पार्ट। यानी जब पहली बार आप आईओटी की किसी भी डिवाइस को बनाएंगे तो मैकेनिकल पार्ट्स का अध्ययन जरूर करेंगे कि हमें स्क्रू बोल्ट और कितने स्पेस पर हमें वो चीज बनानी है। मतलब अगर आप एक कार भी डिजाइन कर रहे हैं तो कार का फाटक कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना हाइट होनी चाहिए, कहां से कर्व होना चाहिए, कहां से कट होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें पहले से मालूम होनी चाहिए। अब हम पूरे एग्जांपल कार को लेके ही समझाते हैं। तो उस कार को, जैसे आपको पता है कि आज के डेट में जो भी कार डिजाइन हो रही है वो पूरा आईओटी बेस्ड है। आप रिमोट दबाते हैं, कार का शीशा लॉक हो जाता है, आप रिमोट दबाते हैं, उसके सारे फाटक लॉक हो जाते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें अवेलेबल है। मैंने पहले भी नाम दिया था कि इस टेक्नोलॉजी को हम लोग किसकी वजह से पाते हैं, टेस्ला नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक सिस्टम में किया जाता है। तो जैसे कार है, उसके जो फाटक है उसको हमने बताया कि वो मैकेनिकल है, उसका जो बोनट आप उठा रहे हैं, अगर बोनट है तो बोनट भी तो एकदम सेट होता है कि कहां उठना है और कितने पर जाके बैठना है ताकि कार का लुक बेहतर। पहले तो बॉडी पे काम हो रहा है, तो जब बॉडी पे काम हो रहा है तो वहां कितना कट है, डिग्गी है, वहां पर कितने पर उठना है और कितने पर जाना है, ये सब जो कट होता है, उसका सॉकस है, ये सारे कट्स किस पे होते हैं, ये सब मैकेनिकल ही होते हैं। तो हमें जब भी कंट्रोल सिस्टम पे काम करना होगा तो सबसे पहला किस पर काम करना होगा, मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम पे।
दूसरा पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम का मतलब जैसे अब आप देखो, अब तो बॉडी का पार्ट हो गया, कितने पर क्या बैठेगा, ठीक है। अब आप जाएंगे कि स्टार्ट, जब आप इग्निशन स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट करते हैं, तो अब आपको क्या चाहिए, सेल्फ स्टार्ट, यानी आपने कार का आपने चाबी लगाई और कितने पॉइंट पर जाकर उसको स्टार्ट होना है, ये भी चीज सेट होती है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में आपके वो सारे सर्किट वाले प्लान आ जाएंगे कि आपने सर्किट का कनेक्शन, अगर मान लो कि आप स्टार्टिंग मार रहे हैं और कहीं से तार कट चुका है, ठीक है, इंजन को स्टार्ट करने से का वायर ही अगर डिस्कनेक्टेड है तो क्या होगा, आप चाबी घुमाते रहो स्टार्ट ही नहीं होगी। ऐसा होता है कि अगर आपका फ्यूज उड़ गया तो क्या होगा गाड़ी का, वो आप सेल्फ मारते रहो स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो क्यों, क्योंकि कनेक्शन कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो इस कनेक्शन को बेस्ट बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम पर पूरा काम करना होता है। हमें ये देखना होता है कि कहीं से कोई वायर ओपन तो नहीं है, कहीं से कोई वायर इतनी भी कमजोर तो नहीं है कि जैसे ही उस पर प्रेशर पड़े वो गल जाए या टूट जाए। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान देना होता है। तो दूसरा कंट्रोल सिस्टम कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। तीसरा है कंप्यूटराइज सिस्टम। आपको जैसे पता है आज के डेट में कितनी भी सस्ती कार हो, जैसे कि ऑल्टो वगैरह अगर बहुत सस्ती भी आती है मारुति की 3 लाख से 4 लाख में, तो उसका भी जो स्टार्टिंग सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड है। अगर एक से दो बार या गलत चाबी से आप ओपन करेंगे तो उसका फ्यूज उड़ जाएगा, फिर वो स्टार्ट ही नहीं होगा, फिर उसको लिए उसके लिए आपको कोडिंग करना पड़ता है, फिर आप किसी न किसी इंजीनियर को बुलाएंगे और वो आपकी गाड़ी को स्टार्ट करेगा, जब तक वो कोड पाएगा नहीं, पासवर्ड लॉक होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि कितनी भी सस्ती गाड़ी हो, वो 2010 के बाद सारी गाड़ियों का स्टार्टिंग सिस्टम किससे था, कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। तो अगर आपने गलत चाबी लगा दी, स्टार्ट नहीं किया, तो वहां का उसका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, और जब सॉफ्टवेयर को जो जब सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो सीधे कंपनी वाले ही आते हैं और सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं। तो ये आपका कौन सा सिस्टम है, ये आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो कंप्यूटर्स का मतलब आपके इन सारी चीजों पर ध्यान देना कि कौन सी चीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और कौन सी चीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी लॉक के साथ जबरदस्ती अगर आप करते हैं, या गलत चाबियों का इस्तेमाल करते हैं, या आप गलत डायरेक्शन में चीजों को यूज करते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि आपका वो पूरा सिस्टम किस पे है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम पर अवेलेबल है। तो ये तीसरी चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा अगर आप आईओटी के डिवाइस बना रहे हैं। तो चौथा न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, न्यूमेटिक सिस्टम का मतलब होता है कि एनर्जी, मतलब अब एनर्जी पे फोकस करो कि बाहर, जैसे मान लीजिए आपने कार बना दिया, अब कार को आप पहाड़ी पर चढ़ा रहे हो, एक अल्टो जैसी कार को आप पहाड़ी पर चढ़ा रहे हो और वो उतनी ताकत झेल ही नहीं सकता, ठीक है। पता चलेगा कि उसके बॉडी बम्पर सब क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को किस वातावरण में रखना है, वो कितनी एनर्जी का प्रेशर झेल सकता है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमने न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि वो एनर्जी को कंट्रोल करेगा। आप देखो जैसे आप ट्रेन है, ट्रेन का दरवाजा ऑटोमेटिक, लिफ्ट है, लिफ्ट का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ज्यादा पावर अगर उसमें, मतलब उसकी कैपेसिटी 5 लोग को बैठाने की है, तो उसमें 6 लोग चढ़ गए, 7 लोग चढ़ गए, तो लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ट्रेन का भी है, जो मेट्रो ट्रेन है वो अचानक बंद होकर एकदम सटीक बैठती है, क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी का अंदाजा है कि इतनी एनर्जी पर हमें जाकर वहां पर बंद होना है। ऐसे ही गाड़ियों के भी लॉक है, गाड़ी की भी प्रेशर होता है कि कितने प्रेशर पर, अगर मान लो कि नेचुरली किसी ऐसे, हर गाड़ी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, जैसे किसी वेदर में मान लो ठंडा प्रदेश है, हिल स्टेशन है, तो वहां गाड़ी जो बनाई जाती है वो उस हिसाब से बनाई जाती है ताकि वो मजबूत रहे, वो बड़ी से बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर भी चढ़ ले, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं किसमें, न्यूमेटिक सिस्टम में। यानी जब भी आप आईओटी की कोई भी डिवाइस बना रहे हो, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि आप 4 फंक्शंस पे 4 कंट्रोल सिस्टम को जरूर टच करो। पहला मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें मैंने ये बताया कि कहीं भी कट वायर इन सब चीजों की कनेक्शन कैसे होंगे, उस पर आपको ध्यान देना है कि कहीं प्लस माइनस तो गलत नहीं हो रहा है। अगर प्लस माइनस ही गलत कर दिए, मतलब अगर पॉजिटिव और निगेटिव उल्टा कर दिए, तो फॉल्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर ध्यान देना है। थर्ड आपका है कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम, यानी कंप्यूटर से अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से आप कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको उन सब चीजों पर ध्यान देना है कि इसका कनेक्शन ठीक ठाक है कि नहीं है। न्यूमेटिक मतलब प्रेशर, एनर्जी प्रेशर जो नेचुरल होती है, कि बाहर कितना तापमान है उस हिसाब से ही आप अपने डिवाइस को यूज करें। जैसे आप देखो मोबाइल फोन जब हम लोग रखते हैं, और मोबाइल फोन को थोड़ा धूप में रख दो, मोबाइल फोन तो खुद हीट होता है, उसको खुद आप धूप में रख देंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होने का खतरा होता है। कि अगर आप मोबाइल फोन को इतना प्रेशर में डाल दिए,
आग के पास ही रख दिए, धूप के पास ही रख के बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन तो ऑटोमेटिक बैटरी से गर्म हो रहा है, धूप पाएगा और हीट कर जाएगा, तो ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इन सब चीजों को हमें फोकस करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें हम लोग टच करने वाले हैं। थिंग्स एंड कनेक्शन। टॉपिक है कि रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या होता है रियल टाइम सिस्टम? सेम चीज कि जो काम किसी भी मशीन या डिवाइस को अगर दी जाए और वो विदिन अ टाइम अपना काम कंप्लीट कर दे, तो ऐसी मशीनरी डिवाइसेस रियल टाइम सिस्टम के अंदर आती है। एग्जाम्पल में जैसे कि एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारे काम को एक नियत समय में, जैसे जो रेफ्रिजरेटर है उसको बर्फ जमाना है, आइस उसको जमाना है, तो वो क्या करेगा? वो एक नियत समय के अंदर अगर उसको लाइट कांस्टेंट मिलती है, ऐसा नहीं कि लाइट बीच बीच में ब्रेक हो रही है, अगर उसको कांस्टेंटली लाइट्स अगर उसको मिल रही है और एक अच्छी कैपेसिटी, मतलब उसको 220 वोल्ट एनर्जी चाहिए तो उसको मिल रहा है, तो वो विद इन आवर आपको एक आइस क्यूब बनाकर वो दे देगा, आइस क्यूब उसकी जम जाएगी। तो ऐसे ही सेम आपका जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर को भी एक इंस्ट्रक्शन है कि इतने समय के अंदर भाई इतना कैपेसिटी एरिया है, अगर 10x10 का रूम है तो आपको ठंडा कर देना है। तो ये सारी चीजें का मतलब क्या है? ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम जो कंट्रोलिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें भी कई पार्ट्स है। डिवाइसेस तो मार्केट में अनगिनत है, सस्ती है, महंगी है, जितनी महंगी टेक्नोलॉजी लेके जितनी अच्छी सर्विसेज लेके कॉस्टिंग उतनी बढ़ती जाती है। आप पैसा किस बात का देते हैं? आप किसी भी डिवाइस को जब अगर परचेज करते हैं, आप देखो मोबाइल फोन आप खरीदते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि 5000 का मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो इतना छोटा मिलेगा, 15000 खरीद रहे हैं तो इतना बड़ा मिलेगा, 50000 खरीद रहे हैं तो इतना बड़ा मिलेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, साइज इज इक्विवेलेंट, साइज तो सेम है, साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पर पड़ता है? कैपेसिटी पर, क्वालिटी पर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर और उसके मशीनरी, मतलब अगर आप बढ़िया डिवाइस खरीद रहे हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर होंगे, ठीक है, इन सब चीजों पर काम होता है। टेक्नोलॉजी मतलब यही है कि दिखता उतना ही है लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। एग्जांपल के रूप में अगर आप एज्यूम करो कि एप्पल अपने लैपटॉप को 2.5 लाख में बेचता है, उस एप्पल ने अपने फोन को 2-2 लाख के फोन निकालता है, क्या होगा? क्या फीचर्स है? क्यों 2 लाख के फोन? आप 20,000 में जो काम कर रहे हैं, आप 10,000 में जो काम कर रहे हैं, वही चीज एप्पल 2-2 लाख में बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? फीचर्स का पैसा लेता है वो। ऐसा तो है नहीं कि 2 लाख का है तो इतना बड़ा हो जाएगा, कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का फोन होगा तो कोई लेके चलेगा? नहीं, फीचर्स बेस्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ट है, सिक्योरिटी बेस्ट है, इसलिए उनके फोन बिकते हैं। और ब्रांड का मतलब भी यही होता है कि आप जितनी महंगी चीजें यूज कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी और फीचर्स का ही पैसा लगता है। अब हम लोग बात करते हैं सीधे कि ये टेक्नोलॉजी को हम लोग कितने भागों में डिसाइड करते हैं। तो पहला भाग क्या है? ओपन एंड क्लोज लूप माध्यम। मतलब ये है कि डिवाइस, जैसे आप एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन में एक टाइमर होता है, अगर आपने यूज किया होगा तो। अगर आपको कपड़ा धुलना है तो आपने क्या किया, एक मशीन का टाइमिंग सेट कर दिया, उसका जो चक्कर है घुमा के सेट कर दिया, उसको यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये पूरा राउंड घूमेगा तब तक वो मशीन कपड़े नचाती रहेगी, ठीक है, यानी एक बार में एक चक्कर उसको पूरा करना है। उस वॉशिंग मशीन को जैसे आपने उसका लॉक एक बार लगा दिया, कपड़ा डाला, पानी डाला उसके अंदर, उसके बाद सर्फ आपने रखा, फिर उस टाइमर को जीरो पे कर दिया, अब जीरो से लेकर 12 तक वो टाइमर सेट है, जैसे आपकी घड़ी सेट है, क्योंकि घड़ी को 24 घंटे के अंदर पूरा घूम जाना है, ये कन्फर्म है। उसी तरह आपकी वॉशिंग मशीन का डिवाइस सेट है, आपने जैसे ही उसको जीरो पे ला दिए तो वो अपने आप बढ़ेगा, एक फिर एक पर आएगा, फिर 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, 4 पर आएगा, जब पूरा एक चक्कर वो लगा लेता है तो वो उस मशीन क्या हो जाती है, रुक जाती है, फिर आपको जाके फिर उस मशीन को जीरो पे करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो एक चक्कर लगा ले तो सारे कपड़े को ढंग से धुल देगी, नहीं, एक चक्कर पूरा करने में ये रिजल्ट तय नहीं है कि जितना कपड़ा आपने उसमें डाला है वो एग्जैक्टली सब कुछ बेहतर तरीके से वॉश हो जाए पूरे एक चक्कर में, ये गारंटी नहीं है। यानी वो किस डिवाइस पर काम कर रही है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, मतलब उसका लूप क्या है? ओपन है, जब तक आप फिर एक राउंड मारेंगे, ठीक है, फिर आप जीरो पे लगाएंगे, फिर वो एक चक्कर मारेंगे, यानी आपकी मर्जी के ऊपर है कि उसको कितने चक्कर में आपके सारे कपड़े को साफ करेगी। आपने कॉलर उठाया, फिर कॉलर को रगड़ा, ठीक है, तो ये सारे काम हम लोग वॉशिंग मशीन में करते हैं।
तो ये क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन जो बना हुआ है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पे बना हुआ है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कभी भी ये गारंटी नहीं देता है कि हाँ जो हम आउटपुट दे रहे हैं आपको वो एक्यूरेटली आपके हिसाब से है। अगर आपको, क्योंकि वहां पे आप टेस्टिंग करेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये कहीं चक्कर में आपका आउटपुट आपके डिजायर्ड की तरह जो आप विश कर रहे थे उस तरह आपको मिल जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको आप डालेंगे, यानी वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में क्या है? क्लोज लूप सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोज लूप सिस्टम में बस ये फायदा होता है कि वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। यानी आपने कह दिया कि भाई मुझे कमरे का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है, तो अब एसी का जो एयर कंडीशनर है वो किस पे बना हुआ है? वो क्लोज लूप सिस्टम पे बना हुआ है ना। जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो नहीं जाता है तब तक कूलिंग करता रहेगा, बट जैसे ही 18 डिग्री सेल्सियस हुआ कूलिंग बंद, यानी कि वो क्लोज लूप सिस्टम है। आपके आउटपुट आप निर्धारित करते हैं, तो अगर आउटपुट आप निर्धारित कर रहे हैं तो ऐसी जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो किस पे आएगी? क्लोज लूप सिस्टम पे। तो ऑब्वियसली बात है कि ओपन लूप सिस्टम पे बनी हुई डिवाइस आपको सस्ती मिलने वाली है और क्लोज लूप सिस्टम पे बनी हुई डिवाइस आपको महंगी मिलने वाली है। काम तो अंतर आपको पता चल गया ना, दोनों में अंतर क्या है? क्या कि क्लोज लूप सिस्टम आपके हिसाब से आउटपुट को डिसाइड करेगा, जो आप चाहेंगे वैसा वो काम करके देगा, ठीक है, और वो भी एक्यूरेट आउटपुट देगा। लेकिन ओपन सिस्टम नहीं, ओपन सिस्टम टाइमिंग पे सेट होगा कि मुझे एक मिनट घूमना है तो घूमना है, अब उसमें मेरा काम हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन वो एक मिनट तक चलेगा, ठीक है। ये है ओपन सिस्टम। इनके ब्लॉक डायग्राम भी आपको दिखाए जा रहे हैं, वो ब्लॉक डायग्राम भी आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में क्या फर्क है? देखो मैनुअल का मतलब ये होता है कि वही चीज जो आप ऑटोमेटिक, अब तो मैनुअल वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब क्या है? सब काम आपको स्वयं करना है। जैसे कि मैनुअल ऑटोमेटिक सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है, मैनुअल है, गर्म तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप कपड़े के ऊपर नहीं रख रहे हैं तब भी वो कुछ उसका टाइमर सेट है, एक बार ऑफ होगा एक बार ऑन होगा, फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी तब तक। तो ये किस पे आ रहा है? ये आपका मैनुअल, मतलब वो ऑटोमेटिक जाके आपका प्रेस नहीं करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके लिए आपको खुद का हाथ लगाना है, आप खुद बैठेंगे तभी वो आपके कपड़े को प्रेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसे ही जो जितनी भी गाड़ियां हैं जिसमें आप हैंडल से ऐसे शीशा चढ़ाते हैं वो क्या है? मैनुअल है, ठीक है, वो सारा सिस्टम क्या है? मैनुअल। लेकिन जो इस समय गाड़ियां आ रही हैं जिसमें आपने बटन दबाया शीशा डाउन, वो क्या है? ऑटोमेटिक है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में सेम वही फर्क है कि मतलब मैनुअल को आप ओपन लूप की कैटेगरी में रख सकते हैं और जो आपका ऑटोमेटिक है वो तो ऑटोमेटिक है ही, यानी वो क्लोज लूप की कैटेगरी में आ सकता है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक डिवाइसेस पे भी हम लोग फोकस करते हैं कि भाई डिवाइस को हमें जो बनाना है उसमें, क्योंकि देखो आप गाड़ी कितनी भी अच्छी बना लो लेकिन वहां पे दोनों चीज को प्रीफर किया जाता है कि कहीं गलती, जैसे मान लो कि शीशा खाली जो है उसी से डाउन नहीं होगा, ऑटोमेटिक तो है लेकिन मैनुअल भी है कि कहीं वो ऑटोमेटिक मशीन खराब हो गई तो मैनुअली भी आप शीशा चढ़ा सको और उसको उतार सको, ठीक है, तो दोनों चीज उसमें पाई जाती है। तो इसलिए डिवाइस को इसलिए भी प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर कभी भी ह्यूमन पर्सन को कि इस तरह की जरूरत पड़े तो मैनुअल भी इस्तेमाल कर ले और ऑटोमेटिक भी यूज कर ले। सेम इसी तरह बाइक्स है, आप खुद देखो ना, आप उस तरह की बाइक्स बहुत कम पसंद करेंगे जो फुल्ली इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो, क्यों? क्योंकि गलती से कहीं बैटरी अगर खराब हो गई, गलती से बैटरी डिस्चार्ज हो गई या तो वो बेकार है, जैसे पल्सर वगैरह में इस तरह की बाइक्स आती हैं जिसमें किक देता ही नहीं है, जब किक नहीं देगा तो ऑब्वियस ही बात है ना कि सिर्फ आपको बैटरी पे डिपेंडेंट है, कहीं से भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट अगर हो गया या माइनर इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हो गया तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, ठीक है। अब अगर वो, ये तो पूरा ऑटोमेटिक हो गया गाड़ी, अगर वही चीज मैनुअल होता तो गाड़ी अगर कहीं फंस भी जाए तो आप किक मार के स्टार्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चाहे आपको कौन सा टेक्नोलॉजी पसंद आती है, मोस्टली मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, जिसमें दोनों की जरूरत पड़ने पर हम दोनों का इस्तेमाल कर सके। अब कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है, यानी एप्लीकेशन मतलब इसका इस्तेमाल, तो जाहिर सी बात है कि इन कंट्रोल सिस्टम को हम लोग बहुत अच्छी अच्छी डिवाइस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, इसके अलावा मोबाइल फोन, टैबलेट, पीसी, सारी चीजें किस पे बनती हैं? यही कंट्रोल सिस्टम पे बनती हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल, तो आज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम आपको याद है लिख डालो, क्योंकि सब ऑटोमेटिक है, ठीक है, मोस्टली, मतलब ये नहीं कहूंगा कि आप कुछ भी उठा लो, पंखा लिख दे,
आज के समय में पंखा भी ऐसा आ रहा है कि आपने बटन दबाया तो वो चीज क्या होगी, तभी वो स्टार्ट और मूव करेगा, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने सीलिंग फैन है घरों में, स्टैंड फैन है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसको आप इस कैटेगरी आईओटी में मत डाल देना, क्योंकि मैंने कहा कि मोस्टली डिवाइसेज जो ऑटोमेटिक है, जिस पर आपका कंट्रोल है, जो रिमोट कंट्रोल से यूज हो सकती है, जिसको आप दूर से बैठ के भी एक्सेस कर सकते हो, वो मोस्टली आईओटी में आती है। तो वैसी डिवाइसेज सारी ठीक है, वो हम लोग इसमें उसका इस्तेमाल हम लोग आईओटी में कर सकते हैं और कंट्रोल सिस्टम वहां निश्चित रूप से काम करता है। तो आई होप कि अब आप क्लियर हो गए होंगे कि आपका कंट्रोल सिस्टम क्या है। अब हम लोग एक चार्ट देखेंगे, चार्ट में समझेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम की। द सिस्टम हुज कंट्रोल एक्शन इज फ्री फ्रॉम द आउटपुट इज नोन एज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यानी जिस सिस्टम का नियंत्रण क्रिया आउटपुट से मुक्त होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आउटपुट आपके आपके हिसाब से आउटपुट नहीं देगा लेकिन अपने समय में अपना काम रहेगा, उसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। क्लोज लूप, इन क्लोज लूप द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल एक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब ये आउटपुट पर निर्भर करता है कि आपका एक्शन कैसा है, आउटपुट में श्योर होता है। अदर नेम इसको हम लोग नॉन फीडबैक सिस्टम कहते हैं, ओपन लूप वाले को इसको हम लोग फीडबैक सिस्टम कहते हैं। कंपोनेंट्स कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस। और इसमें क्लोज लूप में मतलब आप लोग ओपन लूप सिस्टम में क्या क्या चीज यूज करते हैं, एक तो कंट्रोलर यूज करेंगे और दूसरा कंट्रोलिंग की प्रोसेस, वो कंट्रोलर काम कैसे करेगा उस प्रोसेस को आप लोग यूज करेंगे। लेकिन क्लोज लूप में एम्पलीफायर भी यूज होता है, कंट्रोलर तो यूज होता ही है, कंट्रोल्ड प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं और फीडबैक का भी, ये चार चीजें यूज करते हैं। बनाने में यानी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ओपन लूप सिस्टम को बनाना आसान है, सिंपल है, और क्लोज लूप सिस्टम को बनाना कॉम्प्लेक्स है। रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये नॉन रिलायबल है, यानी विश्वसनीयता ओपन लूप सिस्टम पे कम होती है और क्लोज लूप पे हमें विश्वसनीयता ज्यादा है। एक्यूरेसी शुद्धता की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी के मामले में इस पे हम पूरा श्योर नहीं है। ओपन लूप सिस्टम एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है लेकिन क्लोज लूप सिस्टम एक्यूरेट फीडबैक देता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। मतलब आप इस चीज को अगर समझे स्टेबिलिटी को, तो क्या है कि जिसमें जितना ऑटोमेटिक डिवाइस होती है उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हालांकि ओपन लूप सिस्टम जैसी मतलब ऐसी कोई डिवाइस जो मैनुअली होती है, मैकेनिकल होती है, उसको खराब कम होता है क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं खराब होने वाला। ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन नॉट पॉसिबल और इसमें पॉसिबल है। रिस्पॉन्स इसका फास्ट होता है ओपन लूप का और इसका स्लो होता है। कैलिब्रेशन डिफिकल्ट होता है, इसका आसान होता है। सिस्टम डिस्टर्बेंस मतलब अगर हम डिस्टर्बेंस की बात करें तो इस पर प्रभाव पड़ता है और इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लीनियरसी की बात करें, लीनियरिटी की, तो नॉन लीनियर है और ये लीनियर है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको देना हो ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल, तो जैसे ट्रैफिक लाइट्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इंप्रेशन रोड, टीवी रिमोट एटसेट्रा। क्लोज लूप सिस्टम की अगर बात करें तो एयर कंडीशनर, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, स्पीड एंड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, रेफ्रिजरेटर एंड टोस्टर एटसेट्रा। अब हमारा अगला टॉपिक है कनेक्टिविटी मॉडल्स। कनेक्टिविटी मॉडल्स क्या होता है, तो मॉडल का मतलब ये है कि देखो जब दो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो होता है। आप ही अगर ये पेन है ठीक है, इसको जब इसमें आप कैप को बंद करेंगे तो अगर इस पे जो बैठा हुआ ये सेप है, अगर ये सेप और ये कैप के अंदर का सेप बराबर नहीं होगा तो ये कभी भी बंद नहीं होगा ठीक है। अगर मान लो कि इसका ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा हो ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे सटीक बैठेगा नहीं। यानी कि कोई ना कोई सिनेरियो इस पे लगा होगा कि अगर इसकी साइज 2.5 mm है तो इसकी भी साइज एग्जैक्टली 2.5 mm ही होनी चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे पर टैप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सेम चीज है कि अब हम लोगों ने कनेक्शन मॉडल्स को पढ़ रखे हैं, अभी जस्ट पढ़ा उसको, तो अब इस कनेक्टिविटी मॉडल्स में कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजी है। एक मॉडल होता है TCP/IP मॉडल ठीक है। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एक मॉडल होता है TCP/IP मॉडल और दूसरा जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं OSI मॉडल। OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल ठीक है। ये दो टेक्नोलॉजी है और ये दो मॉडल्स हैं जिसके बिहाफ पर हम लोग वर्ल्ड में जितनी भी डिवाइसेज हैं कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज OSI के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो OSI को जब आप हम लोग पढ़ते हैं तो उसको आप क्लियरली समझो कि OSI में 7 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर। उसमें जो है
ओएसआई का जो अप्रोच होता है वो होता है बॉटम से टॉप के लेवल, ठीक है, यानी बॉटम टू टॉप उसका लेयर होता है। पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, दूसरा लेयर होता है डेटा लिंक लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा होता है सेशन लेयर, छठवां होता है प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट सातवां लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। ये जो लेयर्स होते हैं ये क्यों बॉटम टू टॉप रखे गए, अगर आप इसको उल्टा लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे जैसे अगर यहाँ फिजिकल लेयर है तो फिजिकल यहीं से शुरू होगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच किसको कहते हैं, इसको कहते हैं बॉटम से टॉप की ओर। कभी भी टॉप टू बॉटम अप्रोच ओएसआई लेयर में नहीं होता है, यानी फिजिकल लेयर अगर यहां है तो यही होगा, आप यहां से शुरू नहीं करेंगे। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये अप्रोच जो है बॉटम टू टॉप। यानी आपको अगर स्टार्टअप करना है तो हम फिगर ऐसे ही बनाएंगे। अब इस फिगर को याद करने की एक टेक्नोलॉजी है, जैसे हम लोग याद करते हैं, जैसे मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि इसका शॉर्टकट क्या है, PPDNTSPA, ठीक है। ये है याद करने का आसान तरीका, क्या है, पढ़ो नहीं तो शेखर पांडे आ जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, पढ़ो नहीं तो शेखर पांडे आ जाएंगे, ऐसा डराने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ये एक एक, एक कोटेशन है कि पढ़ो नहीं तो शेखर पांडे आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि आपको याद रहेगा कि सीरीज क्या है, पढ़ो का पी हमने लिया, नहीं नेटवर्क लेयर, तो यानी ट्रांसपोर्ट, शेखर पांडे एसपी आ जाएंगे एप्लीकेशन। ये एक थीम है जस्ट याद करने के लिए, बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं कि आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि पीडी मतलब पढ़ो नहीं तो शेखर पांडे आ जाएंगे, ऐसा कुछ ओएसआई लेयर नहीं कहता है। ये तो मैं आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ कि इसमें सेवन स्टेप्स होते हैं ओएसआई मॉडल में। ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल है जिसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हम लोग नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सके, दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क का रहना बेहद जरूरी है और उस नेटवर्क को वर्क करने के लिए ये ओएसआई मॉडल जरूरी है। अब काम कैसे होता है, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले जब आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पर कोई भी चीज टाइप करते हैं तो बिट्स में होती है, यानी फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट स्ट्रीम और बिट। एंड सबसे पहले क्या करता है फिजिकल लेयर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी डेटा को बिट या स्ट्रीम में तोड़ता है। बिट या स्ट्रीम को क्या करता है, वो किस पर पहुंचाता है, डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इस बिट या स्ट्रीम को जो वर्ड बोलना है उसको ध्यान रखना क्योंकि आपको वहां पर स्ट्रीम ही लिखना है। स्ट्रीम मतलब एक तरह से एक एक बिट होता है, अगर वहां पर आपने कुछ और वर्ड यूज किया तो हो सकता है कि आपका डेफिनेशन गलत हो जाए। तो फिजिकल लेयर क्या करता है, फिजिकल लेयर एक एक स्ट्रीम को डेटा लिंक लेयर में पहुंचाता है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उस स्ट्रीम को मिलाकर एक डेटा बनाता है। अब समझो स्ट्रीम किसको बोलते हैं, जैसे आपको टाइप करना है पूरे ग्रुप में टेक्नो शेखर, तो आपने सबसे पहले क्या भेजा, टी भेजा। टी क्या है, एक स्ट्रीम है, इसके लिए एक बिट है मात्र, तो टी गया यहां पर डेटा लिंक लेयर पर, टी मिला, ठीक है। ई अगर दूसरा स्ट्रीम क्या है, ई को यहां पर सेट किया डेटा ने क्योंकि फिजिकल लेयर ने ई को डेटा लिंक पे भेज दिया। फिर सी भी डेटा लिंक पे गया, सी किस पे गया सबसे पहले, फिजिकल लेयर पे, और फिजिकल लेयर ने इसको कहां भेजा, यहां पर, तो इसको मिला सी। एच ऐसे एच, फिर एन ओ, एक एक स्ट्रीम कहां से आ रहा है, फिजिकल लेयर से, तब मिलके बना ये टेक्नो। तो इस तरह से डेटा, अब डेटा, अब टेक्नो क्या हो गया, एक डेटा हो गया, एक वन बाइट डेटा हो गया, इसको आप पढ़ सकते हो ना, इसको तो आप रीड कर सकते हो, यानी ये डेटा हो गया, ये डेटा कहलाएगा और ये स्ट्रीम कहलाएगा। तो अब समझ में होगा डेफिनेशन कि फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रीम को डेटा लिंक तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेटा लिंक लेयर एक डेटा का पैकेट होता है और इस डेटा को कहां पहुंचाता है, नेटवर्क लेयर पे। अब मान लीजिए आपने टेक्नो शेखर टाइप कर दिया, ठीक, आपने टाइप कर दिया टेक्नो शेखर, लेकिन टेक्नो शेखर ऑनलाइन दुनिया में अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नेटवर्क लेयर पे क्या, मतलब आपने जब टेक्नो शेखर टाइप किया तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि आपके मोबाइल में नेटवर्क है कि नहीं है। अगर आप गूगल क्रोम पे हैं और आपने टाइप किया टेक्नो शेखर और आपका डेटा ऑफलाइन है तो क्या वो सर्च होगा, नहीं होगा, ठीक है, उस पर कोई भी चीज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जरूरी क्या है, नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना। तो नेटवर्क का काम होता है, नेटवर्क लेयर का काम होता है कि डेटा लिंक लेयर से आए गए डेटा को सर्च कराना और उसके लिए एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना। ये डेटा कहां चला गया,
ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या काम क्या होता है, आप जैसा कि जानते हो कि एक समय में 1000 अगर मोबाइल यूजर है, वैसे तो अनलिमिटेड है, मिलियंस और बिलियंस में यूजर है, कि गूगल क्रोम के पेज पर एक सेकेंड में कई लाख सर्च आते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि कई लाख सर्च अगर पहुंच रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। जैसे आप खुद सोचो, ट्रांसपोर्ट वर्ड से क्लियर होगा कि बस स्टॉप पर अगर आप जाते हैं तो पर डे कम से कम 200-500 पैसेंजर यहां से वहां तक मूव करते हैं, कहीं ना कहीं के लिए जाते हैं। तो बस स्टॉप क्या है, बस स्टॉप है वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और वहां पर जब एक बस खड़ी होती है, जब सारे पैसेंजर एक ही रास्ते पर जाने, एक ही रूट पर जाने के लिए उसमें बैठ जाते हैं, तभी बस आगे बढ़ती है, यानी आधा घंटा एक घंटा रुक के वो पैसेंजर्स का वेट करते हैं। तो वो इसीलिए यहां भी वही काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि जितना डेटा लिंक लेयर से यहां तक मटेरियल पहुंचा है, तो वो ये चेक करते हैं कि मान लो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे 3-4 पैक, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये, यहां पे किसी ने टेक्नोशेखा टाइप किया, यहां पर किसी ने यूट्यूब टाइप किया, यहां पर किसी ने फेसबुक टाइप किया, यहां पर किसी ने इंस्टा टाइप किया हुआ है। तो जब चार लोग चार तरह की चीजें टाइप किए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों का सर्वर अलग अलग होगा। टेक्नोशेखा किसी और सर्वर पे काम करता है, ये जो आपका फेसबुक है वो किसी और सर्वर पे काम करता है, इंस्टा किसी और सर्वर पे काम करता है, यूट्यूब किसी और सर्वर पे काम करता है, सबका सर्वर अलग है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या किया, उसने ये चेक किया कि कौन सेम रूट पे जा रहा है। तो मान लो कि किसी ने टेक्नोशेखर टाइप किया, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि वो सेशन जनरेट कर देता है कि हाँ चलो ये टेक्नोशेखर वाले हैं, ये यूट्यूब वाले हैं, ये फेसबुक वाले हैं, और ये इंस्टा वाले हैं, चार लोगों ने सर्च भेजा है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि यहां से डेटा को ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में सेशन लेयर पे प्रोवाइड करना, भेजना। सेशन लेयर पे काम क्या होता है, सेशन लेयर क्या करता है, इन चारों को एक अलग अलग टाइम देगा। मतलब सेशन में तो समझते हैं आप, जैसे बोलते भी कैजुअली कि सेशन कौन सा है, ठीक है, तो सेशन मतलब एक टाइम से रिलेटेड होता है कि मान लो कि जिसने टेक्नोशेखर टाइप किया है उसके पास मोबाइल की स्पीड 4G है, जिसने यूट्यूब सर्च किया है उसके पास 2G है, ठीक है, जिसने फेसबुक को सर्च किया उसके पास 3G है, ठीक है, और जिसने इंस्टाग्राम सेट किया है उसके पास भी 3G है। आप सोचो, अब अगर ये सेशन लेयर भाई साहब हैं, तो इन्होंने सबसे पहले रिजल्ट किसको देना है, इनको देंगे या 4G वाले को देंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले रिजल्ट किसको मिलना चाहिए, 4G वाले को। जाहिर सी बात है कि सेशन लेयर इनको टाइम दे देगा कि तुमको हम आंसर देंगे 1 मिनट में, तुमको देंगे हम 2 मिनट में, तुमको देंगे हम 1.5 मिनट में, तो आपको भी देंगे 1.5 मिनट में। तो ये एक सेशन जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर पे किसको भेजेगा, 4G वाले से, 4G वाले ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको। तो ये चला गया प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पे ये आपका टेक्नोशेखर गया। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या कहता है कि ये आपका, अगर ये सर्च करने को बोलेगा, ये सर्वर से बोलेगा कि क्या टेक्नोशेखर नाम की कोई वेबसाइट ऑनलाइन दुनिया में है, क्या ऐसे सर्वर मौजूद है जहां पर टेक्नोशेखर है, अगर है तो शो कराओ, नहीं है तो मत शो कराओ, आप बता दो कि इस तरह का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही आपने टेक्नोशेखर टाइप किया, तो अगर टेक्नोशेखर के नाम से वेबसाइट है या टेक्नोशेखर के नाम से यूट्यूब, जितने भी टेक्नोशेखर से रिलेटेड कंटेंट होंगे, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा सब कुछ, वो आपको एप्लीकेशन लेवल, यानी ये एप्लीकेशन लेवल क्या होता है, यूजर लेवल होता है, यूजर लेवल, यूजर इस चीज को यहां पर देखेगा, ठीक है, कि हाँ टेक्नोशेखर का रिजल्ट उसे मिल रहा है। तो एप्लीकेशन लेवल, जो एप्लीकेशन लेयर है उस पे कौन काम करता है, यूजर काम करता है, ये यूजर का फाइनल लेवल होता है। यानी आप सोचो आप कि जब आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हो तो कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, 7 स्टेप से। तो पहला स्टेप फिजिकल लेयर, जिसमें अब की पॉइंट याद करना, ये तो मैंने कहानी सुना दी समझाने के लिए कि हाँ आप एक कंटेंट सर्च करते हो तो टेक्नोशेखर टाइप करते हो तो उसको 7 स्टेप से गुजरना होता है, ठीक है। तो इस स्टेप को लिखेंगे कैसे, फिजिकल लेयर में स्ट्रीम, फिजिकल लेयर वो लेयर होती है, OSI मॉडल की वो लेयर होती है जिसमें हमें डेटा स्ट्रीम के रूप में मिलता है, ठीक है, और स्ट्रीम्स को डेटा लिंक लेयर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फिजिकल लेयर करता है। दूसरा डेटा लिंक लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की वो इकाई होती है या वो पॉइंट होता है जिसका काम होता है कि फिजिकल लेयर से आए गए स्ट्रीम को डेटा में कन्वर्ट करना, और डेटा में कन्वर्ट करने के बाद वो उस डेटा को कहां फॉरवर्ड करता है, नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर का काम होता है, नेटवर्क लेयर पे का काम होता है कम्युनिकेशन, यानी दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कराना, और
इसके लिए उसको दो प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। इसी नेटवर्क लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक टीसीपी और एक आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की एग्जैक्ट एड्रेस बताता है, क्योंकि आईपी है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इनका काम ये होता है कि वो सोर्स और डेस्टिनेशन की एग्जैक्ट, जैसे कहां से आया, मान लो मेरे कंप्यूटर का नाम है 1 2 3, जाना कहां है 4 5 6 पे, ठीक। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एग्जैक्ट एड्रेस बताने वाला काम कौन करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये करता है कि वो सर्च करता है कि इससे रिलेटेड डेटा को बार बार वो सर्च करेगा, और किसको ट्रांसमिट कराना है वो उस सर्वर पर ट्रांसमिट कराना है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि जैसे आपने किसी का मोबाइल नंबर डायल किया, तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डायल करते ही डायरेक्ट आईपी काम नहीं करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल काम करता है। वो ये दिखाता है कि कौन से रूट पर आपको, जैसे कौन से टावर पे सिग्नल, ये जैसे आपने नंबर डायल किया, किसी का मोबाइल नंबर डायल किया, तो ये दिखाता है कि ये मोबाइल नंबर आगरा में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, या इंडिया से बाहर है। उस नेटवर्क पर यानी वहां के टावर पे वो सिग्नल को गिराएगा, और वहां के आसपास में सबसे नजदीकी टावर कौन सा है जिससे आपसे इजीली बात हो जाए, वो काम किसका होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, टीसीपी का वर्क होता है वो। टीसीपी यही करता है कि एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने का काम किसका होता है? टीसीपी का। और एग्जैक्ट एड्रेस दिखाने का काम किसका होता है? वो होता है आईपी का। इसलिए मैंने बताया कि नेटवर्क लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी और आईपी। अब समझ गए होंगे आप। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम करता है? नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर से आए गए डेटा को अपने पास सेट करता है, और उसको किसको भेजता है? ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा को एक कंटेनर के रूप में रखता है, ठीक है। और जब उसके द्वारा दिए गए जिस तरह का कंटेनर होता है, और यूजर के नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से वो कंटेनर को आगे फॉरवर्ड करता है सेशन लेयर को। सेशन लेयर का काम होता है कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से कि कौन से कंटेंट को, कौन से कंटेनर को रिजल्ट जल्दी दिखाना है और कौन से कंटेनर को रिजल्ट बाद में दिखाना है, उस हिसाब से वो डेटा को सिस्टमैटिक करता है, और फिर वो किसको फॉरवर्ड करता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर ये चेक करता है कि हाँ, जो सर्च, जो डेटा लिंक या फिजिकल लेयर से जो क्वेरी आई है, क्या वो एग्जैक्ट हमारे सर्वर पर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो एप्लीकेशन लेयर को बोलता है वो कि अब दिखा दो इसका रिजल्ट। अगर नहीं है तो एप्लीकेशन लेयर को ये बोलता है कि बता दो इस तरह का जो कंटेंट आप सर्च कर रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बस ये कंटेंट है ओएसआई लेयर का। अब टीसीपी आईपी लेयर एक अलग का सेशन होता है। टीसीपी आईपी का जो हमने बताया वो उसका जो मॉडल होता है, उसमें सिर्फ हमको 4 ही लेयर पढ़नी होती है, यहां पर हमको 7 लेयर पढ़नी पड़ी, इसीलिए इसको ओएसआई बोलते हैं। टीसीपी आईपी में फर्क बस इतना है कि वहां पर हमको 4 लेयर पढ़ना होता है। अब टीसीपी आईपी और ओएसआई में फर्क क्या है, बस उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये हमारा टीसीपी आईपी का एक मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें 4 कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, यानी 4 लेयर दिखाई जा रही है, फिजिकल लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। मर्ज क्या क्या हुआ है, यही चीज ओएसआई में भी था, लेकिन कुछ लेयर्स ओएसआई के यहां पर एक साथ मर्ज हो जाती है। जैसे कि जो फिजिकल लेयर है, यहां टीसीपी आईपी मॉडल में हम फिजिकल लेयर में डेटा लिंक लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर दोनों को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेट लेयर पे हमारा नेटवर्क लेयर आ जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर ही आता है, और एप्लीकेशन लेयर पे हमारा ये तीनों आ जाता है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, यानी ये तीनों कंबाइंड हो जाता है कहां पर, टीसीपी आईपी मॉडल में। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी फंक्शन सेम है, सब पे फंक्शन सेम है, काम बस मॉडल अलग अलग है, क्योंकि टीसीपी आईपी जब मॉडल हम बात करते हैं तो सिर्फ हमें कितने लेयर मिलते हैं, 4 ही लेयर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें 4 लेयर ही होते हैं, सिर्फ इन दोनों को छोटा करने के लिए फिजिकल लेयर में हम फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को कंबाइन कर दिए, इंटरनेट लेयर पे हमारा नेटवर्क लेयर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा ट्रांसपोर्ट ही काम करता है, और एप्लीकेशन लेयर पे ये तीनों आ जाते हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब इसको हम लोग एक चार्ट, एक डायग्राम से समझते हैं कि कब किसको हम क्या बोलते हैं और कहां पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो चार्ट देखिए, यहां पे एक चार्ट को कैटेगराइज किया गया है, जो ओएसआई लेयर, टीसीपी आईपी मॉडल, उसके एग्जांपल्स, किस फॉर्म में डेटा आता है वो, और उसके फंक्शन क्या क्या हैं, उसको समझते हैं।
जैसे एप्लीकेशन लेयर पे क्या है, एप्लीकेशन लेयर हमारा है ये टीसीपी आईपी लेयर पे भी एप्लीकेशन लेयर के नाम से ही जाना जाता है। ओएसआई मॉडल में भी इसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं और टीसीपी आईपी मॉडल में भी इसको एप्लीकेशन लेयर ही बोलते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या है इसके, जैसे एप्लीकेशन लेयर पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम करता है, एफटीपी प्रोटोकॉल काम करता है, आईआरसी प्रोटोकॉल काम करता है, एसएसएच काम करता है और डीएनएस काम करता है। यहां पर जो डेटा होता है वो डेटा के फॉर्म में ही आता है। फंक्शन क्या है, सर्विसेज दैट आर यूज्ड विद इंड यूजर एप्लीकेशन। यहां मतलब जब यूजर के इंड पर बात होती है यानी क्लाइंट के इंड पर बात होती है, जिसपे क्लाइंट जो है अपने द्वारा खोजे गए कंटेंट को देख रहा होता है, तो वहां पर एप्लीकेशन लेयर काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर भी टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर के नाम से ही जाना जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, एसएसएल, एफटीपी, एसएसएच और आईएमएपी, ये प्रोटोकॉल काम करता है। और यहां भी डेटा डेटा के फॉर्म में ही आता है। ये इसका फंक्शन क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करना और इनक्रिप्ट करना, मतलब यह डेटा को रिप्रेजेंट कराने का काम करता है और उसको इनक्रिप्शन का काम करता है। इनक्रिप्शन मतलब क्या हो गया कि जब डेटा अगर किसी भी फॉर्म में हो और वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे आउटगोइंग का डेटा हो या इनकमिंग का डेटा हो, दोनों किसी भी फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो वो कहां पर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर ही होता है। सेशन लेयर पे, सेशन लेयर को टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर ही कहते हैं और इसमें एपीआईज काम करते हैं और सॉकेट काम करते हैं। सॉकेट मतलब क्या होता है, जैसे दो चीजों को एक साथ जोड़ना हो तो हम लोग सॉकेट का यूज करते हैं, उसी तरह यहां भी सॉकेट लेयर काम करता है। और यहां पर डेटा किस फॉर्मेट में आता है, डेटा के फॉर्म में ही आता है। फंक्शन स्टेबलाइज इंड कनेक्शन बिटवीन टू होस्ट, यानी दो होस्ट के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना या उसको इंड करने के लिए हमें सेशन लेयर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को टीसीपी आईपी में ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जाना जाता है। यहां पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है, ईसीएन काम करता है, एससीटीपी काम करता है और डीसीसीपी काम करता है। यहां पर डेटा सेगमेंट के रूप में आता है, सेगमेंट मतलब टुकड़े में, सेगमेंट मतलब क्या है, डेटा को हम कई टुकड़ों में यहां प्राप्त करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जैसा कि अभी हमने फिगर में समझाया था कि आप अगर एक तरफ टेक्नोशेखर टाइप कर रहे हैं, एक तरफ फेसबुक टाइप कर रहे हैं, तब यूट्यूब, तो वहां एक एक अलग अलग फ्रेम होता है, ठीक है, और किसको किस सर्वर पर भेजना है वो हमारा सेगमेंट ही डिसाइड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही डिसाइड करता है। मतलब इसका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड एरर। कोई भी अगर एरर होती है तो यहीं से वापस लौट जाती है कि आपको यूजर, जैसे आपने कोई गलत नाम टाइप कर, जैसे यूट्यूब को आपने यूट्यूब टाइप कर दिया, गलत आपने नाम टाइप कर दिया, तो वो दिखाता है कि एरर। इस तरह का कोई भी फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो कहां पे लौट जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से ही लौट जाता है। नेटवर्क लेयर पे को टीसीपी आईपी में इंटरनेट लेयर के नाम से जाना जाता है। इसमें ये कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, आईपी, आईपीसेक, आईजीएमपी और आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम करते हैं। यहां पर डेटा को पैकेट बोलते हैं, डेटा जो आता है फिजिकल लेयर से उसको यहां पर क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। रीड द आईपी एड्रेस फ्रॉम द पैकेट, कौन से स्थान से डेटा आ रहा है यानी कौन से सोर्स से डेटा आ रहा है उसकी आईपी एड्रेस को रीड करने का काम करता है पैकेट्स पे। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर को नेटवर्क एक्सेस भी बोलते हैं। जैसे कि जब आप अपने पीसी में कोई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वही लैन पोर्ट, स्लिप, ट्रिपल पी, FDDI प्रोटोकॉल यहां पर काम करते हैं। यहां पर जो डेटा आता है उसको हम डेटा ना बोल के क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। यहां पर डेटा को, यानी डेटा लिंक लेयर पर डेटा को क्या बोला जाता है, फ्रेम बोला जाता है। रीड द मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड LLC लॉजिकल एड्रेसिंग, इन दोनों को काउंट करने का काम किस पर होता है, डेटा लिंक लेयर पर होता है। फिजिकल लेयर पर टीसीपी आईपी में इसको फिजिकल लेयर ही बोला जाता है। और इसमें कौन सा क्या क्या चीजें यूज होती है, फाइबर्स, वायरलेस और कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल होता है। इस यहां पर जो डेटा आता है उसको बिट्स बोलते हैं। ये क्या करता है, सेंड डेटा टू द फिजिकल वायर, फिजिकल वायर के माध्यम से डेटा को डेटा लिंक लेयर पर सेंड करता है। तो इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ मोड यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस मेथडोलॉजी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी जो थिंग्स हम लोगों ने डिजाइन किया है, चलो अब हम लोग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि IoT को बनाने के लिए
कितने उपकरण और किस किस तरह के डिवाइसेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो जब डिवाइसेस की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि आईओटी मतलब इंटरनेट कंपलसरी। अगर कोई डिवाइस आईओटी से चल रही है और वो आईओटी में कंसीडर हो रही है तो वहां पे इंटरनेट कंपलसरी है। तो जब इंटरनेट कंपलसरी है तो आपको ये भी मालूम है कि इंटरनेट दो तरीके से यूज होता है, आप भी यूज करते हैं डेली लाइफ में, एक तो वाईफाई यानी वायरलेस माध्यम से, और पहले जब वायरलेस का इतना फोबिया नहीं था तो वायर्ड नेटवर्क के जरिए हम लोग यूज करते थे, उसको टेलीफोन बूथ या पीसीओ इन तरीके से हम लोग यूज करते थे, घरों के टेलीफोन से हम लोग इंटरनेट चलाते थे, तो वो वायर्ड है। आज भी यूज करते हैं, अगर हम लोग कहीं पे कोई बड़ा कैंपस है जिसमें हम कैंपस एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वहां पे हम राउटर लगाते हैं या फिर एक तरह से सेटअप बॉक्स कहिए, सेटअप बॉक्स लगाते हैं और उसके जरिए हम लोग केबल के जरिए इंटरनेट का यूज करते हैं, जिसको बीएसएनएल वाईमैक्स बोलता है। खैर अब उतनी लंबी मेथोडोलॉजी में आने से पहले एक बार हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुना तो सबने है वायर्ड नेटवर्क के, यूज भी किया है कि वायर्ड क्या होता है, वायरलेस। जो लोग अभी आपकी मॉडर्न जनरेशन में है वो शायद वायर्ड नेटवर्क को भूल चुके हो, क्योंकि उनके समय में हो सकता है कि या थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा तो नेटवर्क कनेक्शन के लिए हमेशा से पीसीओ होते थे। जैसे पीसीओ जो पब्लिक बूथ होता था उसके जरिए लोग क्या करते थे, कनेक्शन लेते थे इंटरनेट चलाने के लिए। खैर वो जमाना बहुत पुराना हो गया, बहुत समय की बात हो गई, अब तो सबके पास मोबाइल फोन है, हॉटस्पॉट है, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर कंपल्सरी मतलब अपने आप को कंफर्टेबल किसमें मानते हैं, वाईफाई डिवाइसेस में। तो लेट्स एक बार हम लोग देखते हैं सिनेरियो की कैसा ग्राफ है इसका। कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसके लिए दो तरीका, कौन कौन सा तरीका दिखाया गया है, वायर्ड और वायरलेस, दो वे से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वायर्ड की अगर हम बात करें तो आप देखिए वायर्ड में इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। जब हमें कम्युनिकेशन करना है दो डिवाइसेस के बीच में तो या तो हम इंटरनल लेवल पे कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल लेवल पे कर सकते हैं। इंटरनल लेवल की अगर बात की जाए तो इंटरनल लेवल में दो तरह की चिप को जनरेट किया गया। जब हमें इंटरनली कम्युनिकेशन क्रिएट करना था तो दो तरह की चिप को डेवलप किया गया, पहली चिप का आईटूसी, पहले चिप को क्या बोलते हैं आईटूसी बोलते हैं, दूसरे को एसपीआई बोलते हैं, ठीक है, दूसरे को क्या बोलते हैं एसपीआई। अब जो आईटूसी है इसको स्पीड के आधार पर यानी गति के आधार पर कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो सकता है तीन भागों में कैटेगराइज किया गया, स्लो फास्ट और हाई। स्लो को 100 केबीपीएस की स्पीड थी, जो फास्ट है उसको 400 केबीपीएस की, और जो हाई है उसको नियर अबाउट 3.4 एमबीपीएस की स्पीड का रिक्वायरमेंट था। ये पूरा का पूरा एक डायग्राम बनाया गया और इस डायग्राम के बिहाफ पे हमने आपको ये समझाया कि ये कैटेगराइज कैसे होता है। अब एक एक चीज के बारे में समझते हैं। जैसे आपको ये तो पता है कि अगर नेटवर्क वायर्ड है तो वहां पर कुछ केबल की जरूरत होगी, और केबल कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोगों ने कई भागों में पढ़ा था जब पहले टॉपिक में थे, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये सारे केबल्स ही हैं जिसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे डिवाइस से क्रिएट करते हैं। अब जब हम इंटरनल डिवाइस में आते हैं तो सबसे पहले जो आईटूसी को डेवलप किया गया था तो आईटूसी का पूरा नाम इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट रखा गया, या फिलिप्स सेमीकंडक्टर 1980 में स्पेशली टेलीविजन के लिए डिजाइन किया गया था। टेलीविजन समझते हैं जो टीवी होती है उसमें जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर, टीवी में आज भी कम्युनिकेशन होता है क्योंकि आज आप सेटअप बॉक्स यूज करते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन क्रिएट होता था ये कौन सी चिप के माध्यम से होता है, आई टू सी। इसको 1980 में डेवलप किया गया था, फिलिप्स का सेमीकंडक्टर है ये भी आप ध्यान रखिएगा। पर किसके लिए, टेलीविजन के लिए डेवलप किया गया था, आई टू सी का इस्तेमाल होता है। अब I2C जो है स्पीड के आधार पर तीन भागों में कैटेगराइज की गई, कैटेगराइजेशन कौन सी थी, स्लो फास्ट एंड हाई। स्लो में 100, फास्ट में 400 और हाई में लगभग 3.4 Mbps की स्पीड थी। अब आप फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में आपको SDA और SCL दिखाई दे रहा है। SDA का मतलब सीरियल डेटा और SCL का मतलब है सीरियल क्लॉक, यानी दोनों एक दूसरे से पैरेलली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई तरह के स्लेव्स भी दिखाई दे रहे हैं, कई तरह के आपको स्लेव भी दिखाई, स्लेव मतलब होता है एक वर्ग, सबका अलग अलग काम है। तो जो SDA है और SLA है इनका मतलब होता है कि कितने समय में कितना डेटा, SLA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम एंड SDA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा, द हाउ मेनी डेटा विल बी ट्रांसफर विद इन द टाइम। तो ये एक सिनेरियो था कि कितना टाइम एक सेकंड में या एक मिनट में कितना ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो सकता है, ये इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दोनों केबल का नाम क्या था, SDA और SLA। अब फायदा तो ये था कि हम कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते थे, डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब पुरानी थी तो हम लोग ये यूज करते थे। अब
थोड़ा सा एडवांस हुआ। तो इस जो जो इसका डिसएडवांटेज था वो क्या था, हार्डवेयर की जरूरत ज्यादा पड़ रही थी। जब हम आईटीसी का इस्तेमाल कर रहे थे तो हार्डवेयर डिवाइसेस काफी यूज हो रहे थे। अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस में फॉल्ट हो गया तो प्रॉब्लम पूरा कनेक्शन पे होता था, ठीक है। ये सब इसके ड्रॉबैक्स थे। आईटूसी का जो उदाहरण है वो एग्जाम्पल जो आप कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे आप टीवी ट्यूनर कार्ड यूज करते हैं, ठीक है। उस समय टीवी मॉनिटर की स्क्रीन को टीवी के स्क्रीन में कन्वर्ट करने का काम टीवी ट्यूनर कार्ड करता था। ऑडियो वीडियो ट्यूनर इसका भी इस्तेमाल होता था। बेसिकली जो आईटूसी का नेटवर्क है उसमें कौन सा रोम का इस्तेमाल होता है, ईईपी रोम का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं जहां पर हम लोग बात करेंगे एसपीआई के बारे में। एसपीआई क्या है? एसपीआई का पूरा नाम सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस है। एसपीआई का पूरा नाम क्या है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस है। इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सिंक्रोनस मोड में होता है। डेटा का ट्रांसमिशन मोड कैसा होता है? सिंक्रोनस होता है। और जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एक कम डिस्टेंस में होता है। बहुत डिस्टेंस में आप डेटा ट्रांसफर एसपीआई के माध्यम से नहीं कर सकते, मतलब डिस्टेंस दोनों डिवाइसेस के बीच में काफी कम होनी चाहिए, ठीक है, तब वहां पर डेटा का ट्रांसमिशन हो पाता है। इसमें चार चीजें हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस किसमें कम होता है? आप देखो टीवी का जो रिमोट है, आप यहां से प्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा दूरी अगर निकल जाएंगे आप तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो सिग्नल कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए कि एसपीआई अगर टेक्नोलॉजी आपने यूज किया है तो उसमें डिस्टेंस की बाध्यता होती है, ठीक है। इसमें चार पिन कौन कौन से होते हैं? एससीएलके, एमओएसआई, MISO एंड SS। SCLK क्या है? SCLK का पूरा नाम है सीरियल क्लॉक। SCLK का पूरा नाम क्या है? सीरियल क्लॉक। MOSI का पूरा नाम मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। MISO मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। SS का पूरा नाम स्लेव सेलेक्ट। मतलब इन चार चीजों को यूज करता है SPI टेक्नोलॉजी। अगर उसकी बात करें जो हमारा I2C टेक्नोलॉजी है उसके बिहाव पर SPI की टेक्नोलॉजी थोड़ी फास्ट होती है, मतलब डेटा ट्रांसमिशन करने की स्पीड ऑटोमेटिकली एडवांस होती है, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपको इंटरनल कम्युनिकेशन करना है तो दो चीजों का आप यूज करेंगे, I2C सर्किट का और दूसरा SPI का यूज करेंगे। यही दो मेथड है जिसके माध्यम से आप इंटरनली किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अब इंटरनल कम्युनिकेशन के बाद जो कम्युनिकेशन क्रिएट होता है वो होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनल कम्युनिकेशन की अगर हमने बात की तो इंटरनल कम्युनिकेशन में डिवाइस जब खुद के अंदर लगी हुई आईसी से एक दूसरे से बात करता है तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन हो जाता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस से, यानी आप समझो एक मोबाइल फोन है, आपने उस मोबाइल फोन के अंदर एक कमांड टाइप किया, कौन सा कमांड? व्हाट्सएप, ठीक है, या फिर सेटिंग में गए और सेटिंग में देखा टाइम की सेटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आप अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, यानी डिवाइस एक ही है, आपके हाथ में एक ही फोन है और उसमें आप चैट कर रहे हैं या फिर सेटिंग में जा रहे हैं और सेटिंग में जाके अबाउट फोन देख रहे हैं या फिर उसकी टाइमिंग देख रहे हैं या उसका कलर चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज तो आप इंटरनली कर रहे हैं ना, तो वहां पर ये दोनों कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा था। कौन सा? जो I2C था और SPI, वहां जो सॉकेट लगा हुआ है इन सबको काम कराने के लिए और जो सर्किट बनी हुई वहां पर क्या था? इंटरनल। जब आप एक्सटर्नली आ रहे हैं मतलब दोनों डिवाइस, एक मोबाइल फोन ये, दूसरा मोबाइल फोन ये, अब दो अलग अलग डिवाइस है, यहां पर इन दोनों फोन में इंटरनली डेटा शेयर नहीं करना है, एक्सटर्नली करना है, इस फोन का डेटा इनको कनेक्ट कराना है, यानी इनका नेटवर्क किसको कनेक्ट कराना है? दूसरे फोन को कनेक्ट कराना है। फिर क्या होगा? फिर अगर आप, अभी तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे दूसरा वाला मेरा डेटा ले लेगा, ठीक है, ये तो वायरलेस हुआ ना, बट वायर्ड तरीके में क्या करेंगे? वायर्ड तरीके में हम लोग ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करते हैं। ईथरनेट केबल का मतलब वही लैन केबल जो आप दो पीसी को इंटरकनेक्ट करते वक्त करते हैं, तो उसमें भी एक रेंज होती है। दो पीसी को अगर इंटरकनेक्ट एक दूसरे से करना है तो आप नॉर्मली लोकल मार्केट में जो लैन केबल आता है उसके थ्रू, आप लैन केबल के माध्यम से 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर का लैन केबल आता है जिसके थ्रू एक बिल्डिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, आप पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात कई डिस्टेंस से बाहर किया जाए, मतलब आप 10 किलोमीटर के रेंज में नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या एक केबल से, छोटे से केबल से कर पाएंगे? नहीं, वहां पर आपको लगाना पड़ेगा फाइबर ऑप्टिक्स केबल, यानी वो केबल मजबूत होना चाहिए और काफी उसकी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जब दो अलग अलग और डिस्टेंस ज्यादा हो वहां पर अगर नेटवर्क कम्युनिकेट कराते हैं तो हमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल की जरूरत पड़ती है। तो
ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करके आप एक्सटर्नली दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एग्जांपल के रूप में क्लाउड कंप्यूटिंग, सीसीटीवी कैमरा, वीडियो एप्लीकेशंस के लिए बहुत से ऐसे आप टूल्स यूज करते हैं जिसमें आप एक दूसरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए बातचीत, जैसे गूगल मीट वगैरह करते हैं। तो गूगल मीट तो एक ऑप्शन है जिसमें नेटवर्क आप वायरलेस के तरीके से भी कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन है। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फोन के जरिए करते हैं, बेसिक फोन में भी होता था पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, तो वहां पर जब होता था तो क्या होता था, वहां पर केबल के माध्यम से होता था। वहां पे केबल कौन सी लगती थी, यही ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करते थे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब कम्युनिकेशन मोड में दूसरा टॉपिक है हमारा वायरलेस। वायरलेस का मतलब जिसमें वायर की जरूरत तो है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की केबल की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि केबल तो यूज होने वाला यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए किसकी बात करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी की। तो वायरलेस में सबसे पहला ब्रॉडकास्ट रेडियो एक टेक्नोलॉजी है। मतलब ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है कि जिसमें आप रेडियो वेव तरंगों के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेडियो वेव तरंगें जो होती है उसकी क्षमता कम होती है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग बोलते हैं। दूसरा है आईआर वायरलेस कम्युनिकेशन। आईआर वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है ये। इसका मतलब ये है कि इसकी इंटेंसिटी जो रेडियो वेव है उससे कहीं थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के एग्जांपल कौन से हैं, जो आप आईआर कैमरे लगवाते हैं, ठीक है, उसका, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ये काम करता है आईआर वाला। तो इसके लिए हम लोग जैसे आईपी कैमरा यूज करते हैं, जो एक सिंगल कैमरा यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। बैंक वैंक में जो है अलार्म बजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फायर अलार्म जब बजता है कहीं आग लग गई, अचानक अलार्म बजने लगा, तो इन सब जगह पे हम लोग इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जो भी कम्युनिकेशन एक इंटेंसिटी, मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो कि ग्राउंड से लेके और हम आकाश तक, यानी पूरे ब्रह्मांड तक के खबरों को देख सके या उससे जुड़े नेटवर्क पर काम कर सके अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप। गूगल मैप क्या है, गूगल मैप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपनी लोकेशन को कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस समय आप कहाँ हैं और आपको कहाँ तक जाना है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से। उसी का छोटा सा रूपांतरण है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में भी रेडियो वेव तरंगों का इस्तेमाल होता है, यानी तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल होता है। इसमें भी कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, बट इसके मोड जो है एक जो है आपका सैटेलाइट मोड है, दूसरा है टेरेस्ट्रियल मोड। सैटेलाइट मोड वही ब्रह्मांड में काम करता है, यानी ऊपर काम करता है, और जो टेरेस्ट्रियल मोड है वो जमीन पर काम करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। यानी माइक्रोवेव जो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है उसमें भी हम लोग रेडियो वेव तरंगों का इस्तेमाल करते हैं और तरंग दैर्ध्य का भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी एक नेटवर्क ही एस्टेब्लिश होता है जिसमें हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फोन कॉल्स। अगर टेलीफोन पे एक दूसरे से बात होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट होती है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। ये सर्विस प्रोवाइडर अपना नेटवर्क आपको देते हैं, आपके डिवाइस में कनेक्ट कराते हैं, दूसरा वाला दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होता है, और इन दोनों के मध्य एक दूसरे से क्या हो सकती है, बातचीत हो सकती है ड्यू टू द मीडियम ऑफ केबल। तो वहां पर होता है मोबाइल कम्युनिकेशन, और इसके लिए कौन से केबल के यूज करते हैं, हम लोग कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई, वाईफाई तो बहुत प्रचलित है आज के डेट में, सबको पता है वाईफाई मतलब एक इंफ्रारेड, एक ऐसी तरंगे जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं या हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं, किसके माध्यम से, वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो ये भी वायरलेस डिवाइस का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ तो बहुत पुराना हो गया, जब पहले अब तो, लेकिन अभी गाना वाना बजाने के लिए आता है, स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, स्पीकर से गाना वाना बजाने के लिए, कार में स्पीकर लगा हुआ है उसमें आपको अगर गाना बजाना है अपने मोबाइल से तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो वायरलेस वहां भी, लेकिन टेक्नोलॉजी कौन सी है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वायरलेस मीडियम में, जब हम लोग बिना वायर के कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं तब। तो फाइनली ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इस पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, द प्रोसेस फ्लो ऑफ आईओटी एप्लीकेशन। डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, थिंग्स हम लोगों ने पढ़ लिया, कनेक्शन
करते वक्त कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं उसको भी पढ़ लिया, ठीक है। अब कनेक्शन कराने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है, यानी अगर आईओटी में आप दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शन क्रिएट कर लिए हैं, ये तो पता होगा कितने टाइप का कनेक्शन होता है, लेकिन वो पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा और चौथा, जैसे हम लोगों ने ओएसआई लेयर में भी पढ़ा था। तो आईओटी में जब कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो पहला स्टेप कौन सा होता है, सेंसर। यानी अब ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको आईओटी के डिवाइस बना रहे हैं, कनेक्शन क्रिएट कर लिया है, दो डिवाइसेस भी आपको डिसाइड हो चुकी है कि यही दो डिवाइस है जिनके बीच मुझे नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, तो अब करना क्या है, ये देखना कि दोनों डिवाइस जो है उसके पास सेंसर की क्वालिटी है कि नहीं। सेंसर का काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना या डेटा को स्टोर करना अपनी जगह पर। डेटा को स्टोर करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए किधर भेजता है, कनेक्टिविटी पर। यानी ये डेटा को कलेक्ट करने का माध्यम, इसीलिए मैंने लिखा यहां पे कलेक्टिंग डेटा। कनेक्टिविटी क्रिएट करने का ऑप्शन क्या है, कनेक्टिविटी का मतलब होता है सेंडिंग टू द क्लाउड, यानी ये देखता है कि जब ये डेटा कलेक्ट कर लिया, अब इस डेटा को किधर ट्रांसफर कर रहा है, क्लाउड पर, यानी नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कि अगर आपने दो डिवाइस में, मतलब आपने व्हाट्सएप से मुझे व्हाट्सएप पर हाय बोला, तो क्या होगा, हाय आपने जैसे ही बोला तो सीधे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, कौन कनेक्टेड होता है, आप सबसे पहले वो क्या करेगा, आपने हाय लिखा तो वो मेरे नंबर को सर्च करेगा कि ये नंबर जो है, यानी वो कहां जाएगा, नेटवर्क पे जाएगा, नेटवर्क मतलब वही क्लाउड, कि वहां जाएगा और देखेगा इस नंबर, ये नंबर इस मतलब एग्जिस्ट करता है या नहीं, डेटा ऑन है कि नहीं, मोबाइल ऑन है कि नहीं, तभी वो डिलीवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि सेकेंड ऑप्शन आता है कनेक्टिविटी का, जहां पर काम क्या होता है कि ये डेटा को भेजता है क्लाउड पर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होता है डेटा की प्रोसेसिंग का, मतलब तीसरा ऑप्शन जो होता है वो डेटा की प्रोसेसिंग का होता है, मतलब कि अगर आपने हाय हेलो लिख के कुछ भेज दिया तो वो प्रोसेस होगा। मान लो कि एक छोटा सा टेक्स्ट लिख रहा हो तब तो आपको प्रोसेसिंग समझ में नहीं आती है, लेकिन एक बड़ी वीडियो फाइल अगर आप भेज देते हो तो आप देखते हैं कि अगर हमें सेंसर मिल गया, यानी दो फोन है, दोनों फोन के पास सेंसर है, यानी दोनों फोन एंड्रॉयड है, ठीक है, तभी तो उसमें सिग्नल रिसीव होगा, यानी एक में व्हाट्सएप है तो दूसरे में व्हाट्सएप होगा, ठीक है, ये तो श्योर है कि दोनों फोन एंड्रॉयड या आईओएस होने चाहिए, यानी एप्लीकेशन उसके पास चलने चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेंसर का काम। सेकेंडरी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के लिए दोनों के पास सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए और दोनों अपना डेटा ऑन करके बैठे हो, ये हो गया कनेक्टिविटी। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा है डेटा की प्रोसेसिंग, मतलब आपने जैसे ही डेटा सामने वाले को ट्रांसफर किया तो जब वीडियो फाइल होती है तो डायरेक्ट वो आउटपुट दोनों बंदे जो बैठे हैं इन्होंने भेजा सेकेंड को, तो सेकेंड वाला तुरंत प्ले नहीं कर पाता है जब तक इनकी यहां से पूरी तरह डिलीवर्ड नहीं होता है। यानी डेटा प्रोसेसिंग कब होता है, आप खुद ध्यान दिए होंगे कि जब कोई ईमेल या वीडियो आप भेजते हैं तो वो ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड तब तक करता है जब तक 100% डेटा डिलीवर्ड नहीं हो जाता है। जब 100% डिलीवर्ड हो जाता है यानी 100% प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तभी सामने वाला आउटपुट देख पाता है। यानी ये हो गया यूजर इंटरफेस। फोर्थ स्टेप कौन सा हो गया, यूजर इंटरफेस, जहां पर डिलीवरी इंफॉर्मेशन टू यूजर, यानी ये पता चल जाता है कि अब जो मैं डेटा यहां पर जो फर्स्ट पार्टी डेटा सेकेंड पार्टी को भेज रही थी उनका डेटा डिलीवर्ड हो चुका है और इस डिलीवरी का मैसेज ये से डबल टिक करके आपको शो हो जाता है कि हाँ मैंने जो मैसेज भेजा वो सामने वाले को डिलीवर्ड हो चुका है। यही काम मेल में भी होता है, डिलीवर्ड हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरे द्वारा डिलीवर्ड हो चुका है। वही चीज आपको मैसेज टेक्स्ट मैसेज में भी पता चलता है कि डेटा डिलीवर्ड हो चुका है। यानी बस आप, मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा प्रोसेस है वो चार फेज में होता है। मेन जो हमारा आईओटी डिवाइस है उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो चार फेज में कंपलसरी होती है। तो चारों फेज क्या है, पहला सेंसर, पहला आपको याद करना है सेंसर, दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा प्रोसेसिंग और चौथा हमारा है यूजर इंटरफेस। आई होप अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। संपर्क करने के सारे माध्यम आपके पास अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू या कॉल सेंटर के थ्रू। धन्यवाद।